नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं रेलवे अपार्टमेंट सेक्टर 19, इसका दूसरा नाम ऑर्चिड वैली है। और इसमें दो लिफ्टें हैं, देखिए आप, काफ़ी बड़ी बड़ी दो लिफ्टें हैं और एक फ्लोर पे 6 फ्लैट हैं। और आप देखेंगे इसमें इसका कॉरिडोर भी काफ़ी बड़ा है, आप देखिए इधर भी और इस तरफ भी, और इसमें जीना है काफ़ी बड़ा, आप देख सकते हैं, और एक कॉरिडोर ही इतना बड़ा है। अब आइए चलते हैं, अब हम फ्लैट देखते हैं। फ्लैट देखिए इसके सामने, इसका दरवाजे जो आप देखेंगे काफ़ी बड़ा डोर है, जो डोर के जो चौड़ाई है आप देखेंगे ये करीब करीब पड़ेगा 4.5 फुट का, ये है 4 फुट के आसपास का ये दरवाज़ा है। ये देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है, काफ़ी अच्छा वुडन का इसमें काम भी किया हुआ है। और जैसे हम अंदर एंटर करते हैं काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है हमें, शू रैक वगैरह यहाँ पे अगर हम कोने में बनाना चाहें अगर बन जाता है, अच्छा स्पेस मिलता है, काम भी किया हुआ है, पेंट वगैरह सब कुछ हो रहा है, वुडन का काम हो रखा है। दरवाजों में देखिए आप, दरवाजों में माइका वगैरह लगा है। अंदर एंटर करने से पहले अपना लेफ्ट साइड में पहला इसका वो आता है बेडरूम, बेडरूम का साइज़ देखिए आप, काफ़ी बड़ा बेडरूम का साइज़ है ये, करीब करीब 12x14 का रूम साइज होगा, ज़्यादा ही होगा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ आपको। और बेडरूम से बाहर निकलते ही इसका टॉयलेट भी है, ये टॉयलेट भी देखिए कितना बड़ा है, इसमें भी काम किया हुआ है। मतलब इसको ख़रीद करके अगर शिफ्ट करना चाहे आदमी, पेंट करा के, पेंट भी हो ही रखा है वो भी नहीं कराना पड़ेगा, शिफ्ट कर सकता है, और किराए पे देना हो तो किराए पे दे सकता है। और अभी हम इसके ड्राइंग कम डाइनिंग में आए हैं, ये देखिए आप, इसका एल शेप का ड्राइंग कम डाइनिंग है और वो भी काफ़ी बड़ा है, इसमें भी काम हो रखा है वुडन का पूरा, आप ये देखिए। फ्लोरिंग भी काफ़ी अच्छी है, इसका ड्राइंग कम डाइनिंग काफ़ी बड़ा है, इसका साइज कम से कम 15x30 का एक तरफ और 15x25 एक तरफ होगा कम से कम, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी हो सकता है 19-20 है। और किचन देखिए, अब हम अंदर आए तो किचन देखते हैं, किचन में भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, मॉडुलर किचन है ये, एकदम नया काम है इसमें, किचन फिटिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं, फिटिंग की हालत भी अच्छी है, पुराना काम नहीं है, नया ही काम है, क्योंकि ये सोसाइटी आई हुई भी नहीं है, कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, 5-1 साल भी नहीं होंगे इस सोसाइटी को ढंग से, ये सोसाइटी ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो इसमें काम और रखा ये भी नया ही है, कोई पुराना काम नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना हो 10 साल पुराना काम हो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी आइए हम चलते हैं इसके, इसी ड्राइंग रूम डाइनिंग के साथ बहुत बड़ी बालकनी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, काफ़ी बड़ी बालकनी है, अभी हम अंदर चलते हैं और अभी हम इसका बेडरूम देखते हैं। ये देखिए, ये हमने इसका दूसरा बेडरूम देखा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी रूम साइज़ काफ़ी बड़ा है, 15x15 से ज़्यादा का रूम साइज़ है इसका, और इसी रूम के साथ में अटैच एक बालकनी भी है, ये देख सकते हैं आप, बालकनी से बाहर आपको ग्रीनरी वगैरह सब दिखाई देगी और दूसरी बिल्डिंगें भी दिखाई देंगी, पार्क भी दिखाई देगा, पीछे की साइड में एक इसका सर्विस रोड भी है। और अभी इसके साथ एक अटैच टॉयलेट भी आपको दिखाता हूँ, वो अटैच टॉयलेट भी काफ़ी बड़ा है, 8x8 का कम से कम इसका टॉयलेट ही होगा। और इसी बेडरूम के साथ एक स्टडी रूम भी है, जिसमें भी वार्डरोब वगैरह सब बनी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने किया हुआ था, लेकिन ये स्टडी रूम का एरिया है, पूरा काम किया हुआ है इसमें भी, गहराई काफ़ी अच्छी है इसके। स्पेस देखिए आपको दिख रहा होगा, अब हम इसके चलते हैं तीसरे बेडरूम में, तीसरा बेडरूम भी इसके
दूसरे बेडरूम जितना ही बड़ा है। इसके तकरीबन सारे रूम बड़े हैं, इसमें अलमारी का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। ढाई फुट का गहराई है। माइका भी अच्छा लगा हुआ है ग्रिल के साथ। और हम इसका एक टॉयलेट और देखते हैं, ये भी टॉयलेट उसी टॉयलेट जितना सेम बड़ा है, ये भी कम से कम 8x8 का होगा। अच्छा काम किया हुआ है इसमें। और इसी रूम के साथ आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो प्लस पॉइंट करती है इस सोसाइटी को और इस फ्लैट को, जो आपको सामने थोड़ा दूर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिख जाए, लेकिन सर तो हो नहीं रहा इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। कन्वेंशन सेंटर आपको दिख रहा होगा जो द्वारका का काफ़ी बड़ा सेंटर बनेगा, और गोल्फ कोर्स भी इसी के आसपास है, आपको दिख रहा होगा। सोसाइटी से बाहर निकलते समय आपको थोड़ा सा आइडिया दिखाऊँ देता हूँ। और जो एक्सप्रेस वे को, गुड़गांव को सब कुछ कनेक्ट करता है, मेट्रो लाइन को भी कनेक्ट करता है, इसीलिए काफ़ी अच्छा होने वाली है सोसाइटी। 19 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होनी है, ये सेक्टर 19 की सोसाइटी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और अभी मैं इसके चौथे बेडरूम में भी आपको लेके चलता हूँ, चौथा बेडरूम भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका चौथा बेडरूम है, ये भी बाकी के रूमों जितना ही बड़ा है, ये भी जितने और रूम बड़े हैं उतना ही बड़ा है। इसके अलमारी का स्पेस भी उतना ही बड़ा है जितना बाकी में है, काफ़ी बड़ा है। और ये जो पहले अटैच टॉयलेट था वही है। ये फ्लोरिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये मैंने आपको फ्लैट दिखाया और इसकी थोड़ी सी बातें जो मैंने आपको बताई। अभी जब मैं बाहर की तरफ ले चलूँगा सोसाइटी से, सोसाइटी के अंदर इसकी पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग, ओपन पार्किंग, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। और उसके बाद फिर इसमें और जो ग्रोथ होनी है अभी सेक्टर 19 में, वो कितनी अच्छी होनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, बस थोड़ी देर में मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। अभी हम इसकी लिफ्ट देखिए, अब लिफ्ट काफ़ी बड़ी है। लिफ्ट से बाहर निकलते ही हम आए हैं, लिफ्ट देखिए, अब लिफ्ट से बाहर निकलते ही आपको पूरा कॉरिडोर दिखाई देगा। लिफ्ट भी काफ़ी बड़ी बड़ी है, सर्विस लिफ्ट है। और ये इसका पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हैं पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा है। और ये पार्क है जहाँ बच्चे प्ले एरिया है बच्चों का, ये पार्किंग एरिया इसके। एक इसमें बेसमेंट पार्किंग भी आप देखिए, ओपन भी है, बेसमेंट भी है, बेसमेंट भी है, काफ़ी बड़ी बेसमेंट है इसकी। अभी आइए, अब चलते हैं, इसका मेन गेट दिखाता हूँ आपको। ये बोर्ड है, ऑर्चिड वैली रेलवे अपार्टमेंट, ये रहा सोसाइटी का मेन गेट, ऑर्चिड वैली रेलवे। ये इसका बाहर का रोड है, सोसाइटी से बाहर निकलते बड़ा रोड है। और सामने ही थोड़ी दूर पे बिल्कुल एक रोड जा रहा है जो द्वारका एक्सप्रेस वे को जाता है, कन्वेंशन सेंटर को, गोल्फ कोर्स को, और अगर गुड़गांव वगैरह जाना हो तो यही सामने रोड जाता है। मेरे हाथ के सीध में आपको दिख रहा होगा, ये मेरे हाथ के सीध में एक रोड जा रहा है इधर को, वही रोड है। ओके, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्लैट विजिट करना हो तो मेरे दिए गए नंबरों पर जरूर कॉल करें। धन्यवाद।